गच्चा दिया है। और हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर राजभर की गच्चा पॉलिटिक्स क्या है इस स्पेशल रिपोर्ट में। 2022 के समर का पहला गठबंधन, लाल पीला एक साथ, लाल पीले का आखिर क्या है सियासी रंग, गठबंधन की पहली जनसभा, टोपी भी बदल गई, भाषा भी, और बदल गया बहुत कुछ। हाथ तो मिला पर दिल सियासत वाला, राजनीति में एक नए बदलाव का नारा। क्या भीड़ होगी वोट में तब्दील? क्या टोपी बदलने से बदलेगी सियासी तस्वीर? राजभर की प्रेशर पॉलिटिक्स, लपेटे में अखिलेश। कहते हैं राजनीति में कोई दुश्मन या फिर दोस्त नहीं होता। 2022 के समर में ऐसा ही कुछ दिखाई देने वाला है। कभी बीजेपी के लिए कसीदे पढ़ने वाले अध्यक्ष जी ओम प्रकाश राजभर ने अपना पाला बदल लिया है। उनका नया ठिकाना हो गया है अखिलेश के साथ गठबंधन। 2022 के चुनावी महासंग्राम में पहले औपचारिक गठबंधन का ट्रेलर मऊ के हलदरपुर में देखने को मिला और इस रैली के खुद गवाह बने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। राजभर के न्योते के बाद दोनों दलों के नेताओं का दल पहुंचा मऊ के हलदरपुर और शुरू हुआ स्वागत का मेल मिलाप का दौर। जैसा कि आप अक्सर हर जनसभाओं में देखते हैं, मेल मिलाप शुरू होने से पहले अखिलेश यादव ने एक ट्वीट भी किया कि हलदरपुर बनेगा कुरुक्षेत्र। एक कहावत आपने सुनी होगी कि अपने इलाके में चूहा भी शेर होता है। ऐसी ही वानगी देखने को मिली हलदरपुर में, जहां पर ओपी राजभर ने अपना दमखम दिखाया। भीड़ देखने अखिलेश यादव भी पहुंचे हुए थे और वो भी देख रहे थे तमाशा टोपी का। मौका था सुभाषपा के 19वें स्थापना दिवस का। मंच पर अखिलेश यादव भी पहुंचे हुए थे और मौके पर ही टोपी बदलने का सिलसिला भी जारी था। बारी बारी से दोनों ही नेता अपनी भड़ास निकाल रहे थे। एक सत्ता को खोने की भड़ास निकाल रहा था तो दूसरा सत्ता से बाहर होने की। हलदरपुर में दोनों ही नेता गरज रहे थे, लेकिन एक गर्जन कम भड़ास ज्यादा निकल रही थी। कोई गठबंधन से निकाले जाने और साथियों की गद्दारी की दुहाई दे रहा था तो कोई यूपी की सत्ता से अपना वजूद खोने की। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए मंत्री पद से इस्तीफा देकर योगी और मोदी को बता दिया कि देखो ये समाज की लड़ाई लड़ने नेता निकला है, तेरी गुलामी 420 करने नहीं, तेरा जूता पॉलिश करने नहीं। ये पिछड़े समाज के नेता जितने भी भारतीय जनता पार्टी में हैं, ये सब के सब लोडर हैं। ये योगी मोदी का जूता पॉलिश करते हैं, इनकी औकात नहीं। 69,000 शिक्षक भर्ती में कि देखा हम आने का सोच बा, विचार बा कि हमारे तमाम पुलिस के साथी यहाँ हैं, ये भी कर्मचारी राज्य सरकार के हैं, और वहीं सारे कर्मचारी हफ्ता में ड्यूटी करते हैं, एक दिन छुट्टी मिलती है, लेकिन इनसे 18 घंटा 20 घंटा ड्यूटी ली जाती है। कि लड़ाई लंबी है और चुनाव से पहले कोई भी साजिश हो सकती है, कोई भी षड्यंत्र हो सकता है, लेकिन आप अपनी महंगाई मत भूलना कि 4.5 साल में किस तरह महंगाई बढ़ी है, किस तरीके से नौजवानों के नौकरी और रोजगार के अवसरों को छीना गया है, किस तरीके से पेट्रोल महंगी हो गई, किस तरीके से डीजल महंगा हो गया है, किस तरीके से हमारी बेटियों के साथ अपमानित होना पड़ रहा है। आज कानून व्यवस्था को लेकर के पूरे देश में सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी है। तो वहीं दूसरी तरफ टोपी गमछा भी चल रहा था। कोई लाल टोपी पहन रहा था तो कोई पीला गमछा। दोनों ही दल एक दूसरे के साथ साथ होने का दावा कर रहे थे, लेकिन अगर बात कर ली जाए सपा की तो समाजवादी पार्टी के लिए ये रैली गले की फांस बनी हुई थी। ना ही निगलते बन रहा था और ना ही उगलते। एक तरफ ओम प्रकाश राजभर अपना भाषण दे रहे थे और बार बार बीजेपी से नाता तोड़ने की दुहाई दे रहे थे, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव के मुंह से अपनी तारीफ करवाने से नहीं चूक रहे थे। यानी बैठो यारो, ताली ताली खेले।
एक ताली तुम बजाओ और दूसरी ताली हम बजा रहे हैं। यानी अखिलेश बोले तो राजभर की ताली और राजभर बोले तो अखिलेश की ताली। समाजवादी पार्टी के नेता भागीदार मोर्चा के सभी हमारे नेता और इस महापंचायत में आए हुए हमारे आदरणीय बुजुर्ग किसान भाई, माताएं बहने, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को बधाई देना चाहता हूं। मैं उनके नेता को बधाई देता हूं कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए, इस शानदार कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। ये चुनाव की शुरुआत माने और जिस समय पूर्वांचल जाग जाता है, जिस समय पूर्वांचल के लोग चल देते हैं, वो निश्चित दिन हो जाता है कि इतिहास बदलेगा। और जो हम आप वंचित समाज, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, जिनको अधिकार नहीं मिले, जिनको सम्मान नहीं मिला, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जो चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने का काम होगा। ये रैली महज टोपी ट्रांसफर की रैली बनकर रह गई थी। मंच पर ज्यादातर देर तक दोनों ही दल के नेता टोपिट के इस प्रेशर पॉलिटिक्स के आखिर क्या साइड इफेक्ट होंगे, 2022 के समर में आखिर क्या देखने को मिलेगा इसका इफेक्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। और अब बाकी की खबरों को देखने के लिए वापस चलते हैं अपने चुनावी अखाड़े में। तो देखा आपने राजभर की प्रेशर पॉलिटिक्स। अब ये टोपी बदलने का, ट्रांसफर का ये खेल जो चल रहा है, इसमें विधानसभा के चुनाव में सपा को कुछ फायदा होगा या नहीं, ये वक्त बताएगा। चुनावी अखाड़ा फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।